देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही है तो उसमें से हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संस्था आत्मनिर्भरता को आगे बढ़े, उसी में से जो नारा साकार होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी में जनता को या जो भी जिस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको उसका दायित्व इसका याद कराना पड़ता है। आज हमने न केवल यहाँ बल्कि सभी एलुमनाइज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एलुमनाइज हैं, इनके माध्यम से, आपके माध्यम से उनको संदेश दिया है कि अपने अपने संस्थान के साथ जुड़ करके और उसको आत्मनिर्भर बनाएं। शिवकर जैसी बोस यूनिवर्सिटी बहुत प्रगति कर रही है। जब 1969 के अंदर ये शुरू हुई थी, एक छोटा संस्थान, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक कॉलेज था ये, और बढ़ते बढ़ते आज एक हटवर्षी का, उस समय कुल 400 के लगभग विद्यार्थी पढ़ते थे, आज यहाँ 6000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और आगे ये और भी बढ़ेगी, क्योंकि एक स्थान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक स्थान था, वो किराया है 18 एकड़ का, फिरबाद गुड़गांव रोड के ऊपर, जब वहाँ भवन बनेगा तो इसका एक कैंपस नया भी हो जाएगा, तो लगता है कि डबल संख्या को, डिमांड बहुत है, इस डिमांड को और पूर्ति की जा सके, इस नाते से संस्थान की प्रगति में सरकार अपना योगदान करेगी, एलुमनाई अपना योगदान करेंगे, विद्यार्थी अपना कर ही रहे हैं, तो संस्थान को आगे बढ़ने के लिए शुभकामना देता हूँ। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि अरावली में हाथ खड़े कर दिए कोर्ट फोर्स से, क्या लगता है कांता एन्क्लेव जो सरकार ने बसाई थी उसको तोड़ा जा सकता है? मिस रिप्रेजेंट और मिस कोर्ट और मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर बातें नहीं निकालनी चाहिए। विषय इतना ही है कि इसके आज तक जिस चीज़ को उल्लेख नहीं किया गया था वो हमने सरकार की ओर से उल्लेख किया है कि वन क्षेत्र अलग है, जो नोटिफाइड अंडर फॉरेस्ट है वो एरिया अलग है, पीएलपीए क्षेत्र अलग है। पीएलपीए केवल लैंड इरोजन को रोकने के लिए कानून बनाया गया था 1900 में, वो एक अलग है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कहीं किन्हीं गलतियों से इन दोनों को मिला दिया गया, और जब दोनों को मिला दिया गया तो फिर अब कोर्ट को भी ध्यान में आ रहा है कि 40% हरियाणा के एरिया पीएलपीए में नोटिफाइड है, और अगर ये सारे इस प्रकार के निर्णय होने लग गए तो बहुत से संस्थान या इवन हुडा के सेक्टर्स, इवन गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंटरनेशनल जो हमारा ये है ऑफिस गुड़गांव में, सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आईएसए का जो बिल्डिंग है वो भी पीएलपीए के नोटिफाइड एरिया में है। पीएलपीए का नोटिफाइड एरिया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता था, उस टाइम के बाद वो नोटिफिकेशन खत्म हो जाता था, लेकिन चूंकि पहले कुछ एफिडेविट गलत दिए गए, सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे दिया कि पीएलपीए और फॉरेस्ट एक्ट को मिला करके फॉरेस्ट एरिया मान लिया, उसी में से सब संस्थानों को नोटिस दिए जाने लगे। अब हमने एक एफिडेविट 85 पेज का दिया है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इसको अलग अलग करिए, जो वास्तव में फॉरेस्ट एरिया है वहाँ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पीएलपीए एरिया जहाँ फॉरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लैंड इरोजन का विषय था, उसको लेकर के उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट दोबारा करे, ऐसा हमने योगदान किया। क्या कौन लोग ये विषय मेरा नहीं है, ये जो एजेंसी आंकलन करती रहती है, तो कुछ आंकलन में लोगों ने किसी ने कुछ कह दिया, कभी कभी कुछ सोशल मीडिया पर इधर उधर लोग कर देते हैं, उसमें से अनुमान लगा के कोई बात कहते हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। आप दूसरी पारी खेल रहे हैं हरियाणा में और अभी भी फरीदाबाद, दूसरी पारी आपकी चल रही है हरियाणा में एज ए सीएम के तौर पर, लेकिन आज भी फरीदाबाद की कई मुख्य सड़कें हैं जो जर्जर हालत में, लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया, कई मौतें हो चुकी हैं। आपके कार्यकाल रहते पूरी हो जाएंगी या नहीं? भैया बहुत जल्दी हो जाएंगी, कार्यकाल का क्या मतलब, आप भूल क्या रहे हैं? आप ये कहो वर्षा के बाद सामान्यतया महीने दो महीने लगते हैं, वर्षा आज आपके अक्टूबर के महीने भी वर्षा चली है, इसलिए सारे काम शुरू हो चुके हैं और वो बहुत जल्दी जितना एलनाबाद में स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं, और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की अच्छे मतों से जीत होगी। मेरा कार्यक्रम जैसा भी वहाँ की जो चुनाव प्रबंध समिति है वो तय करेगी, उस हिसाब से बदल